हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम शर्मिला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एग सैंडविच की रेसिपी, अंडे की सैंडविच। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसे मैंने तवे पे बनाया है, लेकिन देख रहे हैं किस तरीके से दोनों साइड बैठा हुआ है। बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाया है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है, जिसमें एक चम्मच मैंने बटर डाला है। आप चाहिए तो तेल भी डाल सकते हैं। पहले हम इसका एक बहुत ही चटपटा सा मसाला रेडी कर रहे हैं। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, तो एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ मसाला लिया है, जिसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची और जीरा और काली मिर्च का है पेस्ट है ये। अगर आपके पास ऐसा पिसा हुआ नहीं है तो आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और थोड़ा थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल दें। इसे मैंने 10 से 20 सेकेंड के लिए भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज और एक टमाटर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना रहेगा, जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमारा जो प्याज और टमाटर है वो सॉफ़्ट हो गए हैं। इसके बाद मैं एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ बीटरूट डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। आप इसके जगह पे काश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं कलर के लिए, नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तीखी वाली लाल मिर्च है, आप अपने अकॉर्डिंग डालें। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल रही हूँ। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक गया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसे 30 से 40 सेकेंड के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम तक हम इसे नहीं भूनेंगे, तो हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। टोटल पानी 1/4 कप के आसपास गया था, आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग सकता है। अब मैंने इसमें धनिया डाल दिया, हरा धनिया, और इसे मैं मिक्स कर दे रही हूँ। इसके बाद हम इसे पाव भाजी के मैशर से इसे हल्का सा मैश कर लेंगे। आप चाहिए तो कलछी से भी मैश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने एक बॉइल्ड अंडा लिया है, एक जिसे मैं कद्दूकस करके इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इस ग्रेवी में। और येलो पार्ट मैं 2 यूज़ करूँगी, वाइट पार्ट 1 यूज़ करूँगी। आप चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये और ज़्यादा अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं टोटल आज 5 अंडे की आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो 2 मैंने येलो पार्ट यहाँ पर डाला और 1 वाइट पार्ट डाला है। और येलो पार्ट डालने से ये बहुत अच्छा बाइंड हो जाएगा एक दूसरे में, थोड़ी थिक भी हो जाती है हमारी ग्रेवी, अलग अलग सी नहीं लगेगी और टेस्ट तो बहुत अच्छा है ही। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा मैशर से और मैश कर दे रही हूँ, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे ग्रेवी तो थोड़ी सी पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि येलो पार्ट डालने से अंडा का वो थोड़ी थिक हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये एक फिलिंग बन के रेडी हो गई है, बहुत ही गाढ़ी है। इसी तरीके का आपको रखना है। इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो गैस को हम बंद कर देंगे। इसके बाद मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे ले लिया जो हमें सैंडविच बनाने के टाइम काम आएगा। तो हमने फिलिंग लिया है, हरी चटनी लिया है, और बॉइल्ड अंडा लिया है, और ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों का यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ हमने जो मसाला रेडी किया था, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप चाहिए तो इसी मसाले के साथ भी बना के सैंडविच खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोनों ब्रेड पे मसाले को फैला लिया है मैंने। इसके बाद मैंने अंडे को पतले पतले स्लाइसों में कट कर लिया और इसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ। 1 अंडा 1 सैंडविच पर मैं डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालें कम या ज़्यादा। इसके बाद मैंने अपने दूसरे साइड वाले ब्रेड को लिया है, जिसके ऊपर हम हरी चटनी बनाएंगे। आप घर में जैसा हरी चटनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लें, लेकिन ये थोड़ी गाढ़ी है आप देख रहे हैं, और थोड़ी तीखी भी रहती है, मुझे पसंद है, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, साथ में इसके ऊपर मैं नमक भी डाल दूँगी थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा आप नहीं डालिएगा, क्योंकि हमारे मसाले में भी नमक है और चटनी में भी नमक है। तब इसे हम ऊपर से इस तरीके से रख देंगे सैंडविच को, और ये हमारा सैंडविच बन के रेडी है। आप चाहिए तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद है आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम अपने सैंडविच को सेकेंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने गर्म कर लिया था, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर इस तरीके से लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का यूज़ करें, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर अपने सैंडविच को इस तरीके से रख रही हूँ, और इसके ऊपर ही मैं एक प्लेट और कुछ भारी सामान आप रख दें,
जैसे कि मैंने यहाँ पे खलबट्टा रखा है, इससे ये होता है कि ऊपर से दबाव पड़ती है हमारे सैंडविच पे और सैंडविच हमारा एकदम परफेक्ट जैसा ग्रिल में बनता है वैसा बनेगा। अब एक साइड से ये सिक गया है, इस पे भी बटर लगाइए और दूसरे साइड से भी आप इस तरीके से सेक लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसी मैथड से आप बाकी सबको बनाइए। बहुत ही अच्छा तरीका है तवे पर सैंडविच बनाने का इस तरीके से, तो आप ज़रूर बनाइए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों सैंडविच को सेक के ले लिया है। अब मैं आपको कट करके बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा है, अंदर से भी बिल्कुल जैसे ग्रिल में बनता है, दोनों साइड से एकदम परफेक्ट दबा हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिंपल मेथड है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसी तरीके से बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।